हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 इसके एग्जाम्स अब आने ही वाले हैं। इसकी डेट्स भी एग्जैक्ट डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मंथ का अनाउंसमेंट तो हो चुका है। इसी के लिए हम वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी इंग्लिश पेडागॉजी जो कि सेकेंड लैंग्वेज है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो आप इंग्लिश पेडागॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम एक नया उसमें टॉपिक हम देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और इसमें से भी जैसे ये 4 सेगमेंट्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो आज हम लिसनिंग वाले पार्ट को हम कवर करेंगे और इस तरह से इस कंप्लीट टॉपिक को हम 4 वीडियोस में कवर कर लेंगे। मेरा आज का वीडियो होगा लिसनिंग पर, कल का होगा स्पीकिंग पर, फिर नेक्स्ट होगा रीडिंग और फिर राइटिंग। इस हिसाब से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पेडागॉजी में LSRW। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। तो लैंग्वेजेस आर जनरली टॉट एंड असेस इन टर्म्स ऑफ 4 स्किल्स। भाषा जो है वो 4 स्टेप्स में सीखी जाती है और उसके 4 स्टेप्स हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। द प्रॉपर ऑर्डर और प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लर्निंग ए लैंग्वेज इज, और मतलब ये इसी सीक्वेंस में पढ़ा जाता है या सीखा जाता है। लिसनिंग का पहले सुनना बहुत ज़रूरी है, स्पीकिंग आप सुनेंगे उसके बाद ही आप बोलें, कहा जाता है ना कि बोलने से पहले सुनना आवश्यक है तभी आप सही से किसी भी चीज़ का जवाब दे पाएंगे। तो स्टेप्स हैं लिसनिंग पहले, फिर सीक्वेंस में आएगा स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। सो LSRW इज द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो LSRW क्या हुआ, लैंग्वेज भाषा को भाषा के अधिग्रहण का एक प्रोसेस है। लिसनिंग एंड रीडिंग आर नोन एज रिसेप्टिव स्किल्स। तो जिसमें कि लिसनिंग सुनना और पढ़ना, किताब पढ़ना, कोई भी चीज़ को पढ़ना, तो ये 2 चीज़ें किसमें आती हैं, रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव मतलब ग्रहणशील, आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो ग्रहणशील कौशल है, ये स्किल है। और वहीं स्पीकिंग एंड राइटिंग आर नोन एज प्रोडक्टिव स्किल्स। स्पीकिंग मतलब बोलना और राइटिंग मतलब लिखना, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके अंदर से वो उत्पाद पैदा हो रहा है, स्पीकिंग और राइटिंग। ऑल लैंग्वेज लर्नर्स विल नीड टू डेवलप देयर स्किल्स इन ईच ऑफ दीज एरियाज एंड लैंग्वेज क्लास शुड इनकॉर्पोरेट एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑल दीज स्किल्स। तो जो भी भाषा सीखने वाले विद्यार्थी हैं उनको अपने अंदर इन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। और जो कि लैंग्वेज क्लासेज हैं जहाँ आप भाषा सीखने जाते हैं, या कह सकते हैं आपकी क्लास में या स्कूल में, स्कूल वालों को या क्लास वालों को स्किल्स सीखने के लिए एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जिससे कि ये स्किल्स आपकी डेवलप हो। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, स्पीच एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग और आर ऑल जनरलाइज्ड स्किल्स एंड चिल्ड्रंस मास्टरी ओवर देम बिकम्स द की फैक्टर अफेक्टिंग सक्सेस एट स्कूल। पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज NCF। NCF क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये क्या बोलता है कि लिखना, सुनना, पढ़ना और लिखना और बोलना, ये एक जनरल स्किल्स हैं जिससे कि इनके द्वारा
कोई भी स्टूडेंट या बच्चा चिल्ड्रेन इनके ऊपर जब मास्टरी उसके अंदर आ जाती है तो यही मास्टरी उसे आगे चलकर स्कूल में सक्सेस दिला सकती है। बहुत ज़रूरी है, अगर किसी व्यक्ति को सुनना आता है, उसके अंदर सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो वो बोल सकता है बहुत अच्छे से, और लिखने की क्षमता और पढ़ने की क्षमता, ये चारों चीज़ें आना बहुत आवश्यक है इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस नॉट ओनली इन स्कूल और कॉलेज और इन हिज एंटायर लाइफ और इन हिज कैरियर। तो ये इसके बारे में मैंने ब्रीफ बताया। अब हम देखेंगे लिसनिंग स्किल्स, सुनने की क्षमता, सुनने का कौशल, ये क्या होता है। लिसनिंग कम्प्रिहेंशन इज द रिसेप्टिव स्किल, ये जैसे कि बताया ये ग्रहणशील कौशल है, सुनना मतलब आप कुछ चीज़ को ग्रहण करते हैं सुनने से। एज इट इज सेड दैट स्पीकिंग इज गोल्ड बट लिसनिंग इज डायमंड, ये कहा जाता है कि अगर बोलना सोना है तो सुनना हीरा है। स्पीकिंग इज गोल्ड देन लिसनिंग इज डायमंड, इस तरह से कहा जाता है। तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि सुनना बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सुनते हैं किसी चीज़ को तो आप बहुत अच्छे से उसका फिर जवाब दे पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे सुनने से, और उसके हिसाब से बेहतर आप अपना जवाब तैयार कर सकते हैं। वन शुड गिव इम्पोर्टेंस टू अदर वर्ड्स वाइल हैविंग ए कन्वर्सेशन एंड नीड देम व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट ओवरऑल, वही मैंने बताया कि सुनने को दूसरा क्या बोल रहा है इसको हमेशा आपको महत्व देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से चीज़ को समझ पाएंगे, क्या वो बोलना चाहता है उसकी अर्थ को आप समझ पाएंगे और उसके हिसाब से एक बेहतर जवाब आप दे सकते हैं। लिसनिंग स्किल्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर प्रोनाउंसिएशन, सुनने से क्या होता है जब आप किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो क्या होता है आप उसके प्रोनाउंसिएशन को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, किस लहजे में बात कर रहा है, उसके बोलने का तरीका क्या है, तो आप उन चीज़ों को आप एडॉप्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल भी शार्प होती है, बहुत बेहतर होती है। एडिशनली वी रियली मीन व्हाट वी लिसन टू एंड अंडरस्टैंड, तो लिसनिंग सिचुएशन, सुनने की क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या मौके होते हैं, ऐसे कौन से मौके होते हैं जब आप सुनते हैं, तो लिसनिंग सिचुएशंस को दो टाइप में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है इंटरेक्टिव लिसनिंग और दूसरा है नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग, दो पार्ट्स में लिसनिंग सिचुएशंस को डिवाइड किया है। तो हम पहले देखेंगे इंटरेक्टिव लिसनिंग, इसका मतलब है परस्पर सुनना। जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि परस्पर सुनना आखिर इसका क्या मतलब है। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशंस एंड टेलीफोनिक कॉल्स इन विच वी आर अल्टरनेटिवली लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड इन विच वी हैव ए चांस टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन रिपीटेशन और स्लोअर स्पीच फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन पार्टनर। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन आपका होता है, आप किसी को सुनते हैं और उसको जवाब भी देते हैं, ये आप दोनों तरफ से इंटरेक्शन होता है, सुनना और उसका जवाब देना। इसमें ये सुविधाएं भी फैसिलिटीज होती हैं कि अगर आपको सामने वाले की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही है तो आप उसको रिपीट करने को बोल सकते हैं, अगर आपको आवाज़ कम सुनाई दे रही है किसी की तो आप उससे बोल सकते हैं जोर से बोलने का। तो इस तरह से ये इसमें फैसिलिटी होती है इंटरेक्टिव लिसनिंग में। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्लूड्स फोक लॉर एंड स्टोरी टेलिंग कम्युनिटी सिंगिंग एंड थिएटर। एज ए सेक्टर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग लिसनिंग कैन बी एनरिच्ड बाय म्यूजिक विच इंक्लूड्स फोक क्लासिकल एंड पॉपुलर कंपोजिशन। तो लिसनिंग स्किल जो है इसको आप और एनरिच कर सकते हैं, एनरिच मतलब और बढ़ा सकते हैं इस स्किल को। कैसे, जैसे फोक डांसर्स होते हैं, फोक मतलब लोक साहित्य, आदिवासी क्षेत्रों में जो फोक्स होते हैं, फोक डांसर्स होते हैं, क्लासिकल मतलब क्लासिकल म्यूजिक या क्लासिकल डांस, ये एक तरह से इनमें सुनना पड़ता है, आपको सुनने की क्षमता बढ़ती है।
इस तरह से आप इंटरेक्टिव लिसनिंग को शार्प कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से जहाँ बातचीत होती है, जैसे फोन कॉल आना, आप मोबाइल पर बात करते हैं, ये भी लिसनिंग स्किल्स, इंटरेक्टिव स्किल्स का ही पार्ट है। इंटरेक्टिव लिसनिंग मतलब आप सामने वाले की कॉल रिसीव करते हैं, फिर वो क्या बोल रहा है उसे सुनते हैं, सुनने के बाद उसको जवाब देते हैं, ये इंटरेक्टिव, आपने सुना उसका जवाब दिया, इंटरेक्टिव लिसनिंग होती है। सेकेंड है नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग, गैर संवादात्मक, मतलब सिर्फ आपको सुनना ही है, आपके पास सुविधा नहीं है सामने वाले को उसने क्या बोला है उसको आप रिपीट करवा पाओ, या आपको समझ में नहीं आ रहा है उससे बोलने की, आग्रह करने की सुविधा नहीं होती है इसमें। नॉन इंटरेक्टिव ये गैर संवादात्मक है, इसमें आप संवाद नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, तो इट इज नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशंस आर लिसनिंग टू द रेडियो, टीवी, फिल्म्स, लेक्चर्स और सर्मन्स, मतलब जैसे कि आप रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो में गाने सुन रहे हैं, रेडियो में न्यूज़ सुन रहे हैं, टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये एक तरफा संवाद है, आपको सिर्फ सुनना है, सुन ही सकते हैं, आप उससे बातचीत नहीं कर सकते, किसी का लेक्चर आप देख रहे हैं टीवी वीडियो में। इन सच सिचुएशन वी यूजली डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, स्लोअर स्पीच और रिपीटेशन, तो हमारे पास इसमें वो सुविधा नहीं होती, एक तरफा संवाद। तो इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग, ये दो वैरायटी हैं। अब हम देखेंगे माइक्रो स्किल्स फॉर लिसनिंग, लघु और सूक्ष्म कौशल, किस चीज का, सुनने का, श्रवण कौशल। रिचर्ड्स वन ऑफ द एजुकेशनिस्ट प्रपोजेस दैट फॉलोइंग आर द माइक्रो स्किल्स इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट समवन सेज टू अस। तो एक शिक्षाविद हुए रिचर्ड्स, उन्होंने ये माइक्रो स्किल्स के स्टेप्स बताए हैं, जैसे रिटेन चंक्स ऑफ लैंग्वेज इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब इनका कहना है कि लैंग्वेज के जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनको भी आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में फिट कर लें, जो भी आपने सुना या पढ़ा, आपने जो भी सुना उसको आप अपने मेमोरी में छोटे छोटे हिस्सों में आप सेव कर लें, ये एक तरीका है लिसनिंग का। डिस्क्रिमिनेट अमंग द डिस्टिंक्टिव साउंड इन द न्यू लैंग्वेज, अगर आप नई भाषा सीख रहे हैं तो इस हर भाषा का एक अलग तरह का साउंड, कोई बोल रहा है तो एक साउंड होता है, उस साउंड को आप पहचानना सीखें, सुनेंगे तो आप इन साउंड्स में अंतर पैदा कर पाएंगे, अंतर को समझ पाएंगे। रिकॉग्नाइज स्ट्रेस एंड रिदम पैटर्न टोन पैटर्न्स इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, रिकॉग्नाइज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के जो घटते हुए फॉर्म्स हैं, तरह तरह के जो वर्ड्स हैं इनको आप पहचानना सीखेंगे। डिस्टिंग्विश वर्ड बाउंड्रीज, शब्दों के बीच में जो बाउंड्रीज हैं उनको पहचानना, उनमें अंतर जो है उनको आपको समझना। रिकॉग्नाइज टिपिकल वर्ड पैटर्न, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनका एक अलग तरीका, टिपिकल तरीका, पैटर्न होता है, प्रतिरूप होता है, स्वरूप होता है, तो उनको आपको पहचानना होगा। रिकॉग्नाइज वोकैबुलरी, वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश, इसको भी आपको पहचानना होगा। रिकॉग्नाइज ग्रामेटिकल वर्ड क्लासेस, जो शब्दों के क्लास में आप पढ़ते हैं, ग्रामेटिक ग्रामर्स वगैरह, उनके जो वर्ड्स होते हैं, किस तरह से वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उसमें ग्रामर का भी ध्यान देना होता है, सेंटेंस बनाते हैं तो ग्रामर का भी ध्यान देना होता है, इसको भी आपको पहचानना सीखना होगा। रिकॉग्नाइज बेसिक सिंटैक्टिक पैटर्न, सेंटेंस का जो रचना करते हैं, वाक्य की रचना करते हैं, इसका एक पैटर्न होता है, इसका एक नियम होता है,
वो नियम को जानना बहुत जरूरी है। रिकॉग्नाइज कोहेसिव डिवाइसेस, कोहेसिव डिवाइसेस मतलब इस तरह के उपकरण लैंग्वेज में माना जाता है, भले वो काल्पनिक हों लेकिन ये उपकरण होते हैं जोड़ने वाले, शब्दों को जोड़ते हैं, जोड़ा जाता है, वो भी पहचानना सीखना होगा। ये कैसे होता है? जब आप सुनेंगे, इसलिए जरूरी है सुनने की क्षमता विकसित करना, सुनेंगे तो ये चीज़ें आपको आप समझना सीख जाएंगे। डिटेक्ट सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन एंड द लाइक, वही है कि सेंटेंस किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, ग्रामर का उपयोग जैसे नाउन वर्ब या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रपोजिशन क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, एडवर्ब क्या, कैसे किस तरह का एडवर्ब ऐड किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको सीखना होगा। ये माइक्रो स्किल्स हैं सुनने के लिए, इस तरह की कौशल आपको अपने अंदर डेवलप करने होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में, इस क्लास में हमने जाना कि लिसनिंग स्किल्स जो कि लैंग्वेज स्किल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है या फर्स्ट स्टेप है सुनना, उसको हमने समझा। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम देखेंगे लैंग्वेज स्किल का सेकंड स्टेप, इसे कहते हैं स्पीकिंग स्किल, इसको पढ़ेंगे। जो वीडियो जो लेक्चर है इसको आप एक दो बार और रिपीट करें, देखें, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्पीकिंग स्किल्स के, और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।